अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास वीवो MT के CPU में एक फ़ोन है जिसका IMEI रिपेयर करूँगा UMT टूल से, और UMT 5.1 की नई अपडेट भी आई है, उसी के बारे में कुछ समझा दूँगा मैं अपने भाइयों को। तो सबसे पहले मैंने फ़ोन को मुकम्मल ऑफ कर दिया है और कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे UMT का लेटेस्ट 5.1 का वर्जन है, इसके MT के 1 क्लिक पे क्लिक करना है और यहाँ पे अनेबल बॉर्न पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद हम फ़ोन को बिना कोई बटन दबाए जस्ट USB केबल को कनेक्ट कर देंगे कंप्यूटर के साथ। तो जैसे हम कनेक्ट करेंगे UMT टूल पे फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा प्रीलोडर मोड में, और प्रीलोडर मोड में कनेक्ट होने के बाद फ़ोन जो है वो बोर मोड में चला जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये सक्सेस हो चुका है। अब दोबारा फ़ोन की जानब आते हैं और इसको हम डिसकनेक्ट कर देते हैं। डिसकनेक्ट करने के बाद मैं दोबारा यहाँ आता हूँ UMT टूल के IMEI सेक्शन में। यहाँ पे हम अपनी मतलूबा IMEI दर्ज करेंगे। याद रहे कि IMEI चेंज करना इलीगल है, तो हमेशा IMEI वही इस्तेमाल करें जो आपके फ़ोन के बैक कवर पे या मोबाइल के जो बॉक्स है उस पर लिखी होती है, वही IMEI आप फ़ोन को लगाया करें। तो यहाँ पे मैं अपने फ़ोन की IMEI टाइप कर रहा हूँ। IMEI टाइप करने के बाद हम जस्ट रिपेयर पे क्लिक करेंगे और फ़ोन को मोबाइल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे वॉल्यूम दोनों बटन दबा के। ये मैं दूसरी IMEI भी यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। अब रिपेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें मैसेज मौसूल हुआ IMEI चेंजिंग के हवाले से, तो इसको यस कर दिया। और फिर अब फ़ोन को हमने कनेक्ट करना है। फ़ोन बॉर्न मोड में पहले हमने शिफ्ट कर दिया था UMT से, अब दोनों बटन प्रेस करके USB केबल कनेक्ट कर देंगे। जैसे USB केबल कनेक्ट करेंगे UMT टूल पे फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा बॉर्न मोड में, और ये हमारा जो भी काम है IMEI के हवाले से या FRB लॉग है या कोई भी काम है वो हमारा बिना किसी परेशानी के हल हो जाएगा। अब फ़ोन को मैं डिसकनेक्ट कर देता हूँ। अब फ़ोन ऑन नहीं होगा जब तक हम आगे का प्रोसेस नहीं करेंगे। अब हम डिसेबल बॉर्न पे क्लिक करेंगे और जो हमारा बैकअप बना था बॉर्न अनेबल करते हुए, वो हमारा UMT टूल में MT के फोल्डर में, बैकअप के फोल्डर में जाके यहाँ सेव हो जाता है। ये मैं टाइम के हिसाब से बैकअप लोड कर रहा हूँ, 10:43 हुए हैं तो ये 10:40 पे बना था, ये मैंने लोड किया। लोड करते ही उसके बाद फ़ोन को कनेक्ट करूँगा। अब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ लेकिन कोई ड्राइवर शो नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मैंने तीनों बटन एक साथ प्रेस करने हैं, वॉल्यूम के दोनों बटन और पावर का बटन दबा के रखने हैं जब तक डिवाइस मैनेजर में और UMT टूल में हमें MT के बॉर्न मोड की कोई ड्राइवर शो नहीं हो जाते। और ये ड्राइवर शो हो चुके हैं और प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और इसके बाद जो प्रीलोडर का बैकअप बना था, ये UMT टूल ऑटोमेटिकली अब जब आप बॉर्न अनेबल करते हैं तब ऑटोमेटिकली प्रीलोडर का बैकअप ले लेता है। तो बैकअप रिस्टोर होने के बाद हम फ़ोन को डिसकनेक्ट करेंगे और जस्ट उसको ऑन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को UMT की नई अपडेट और वीवो IMEI रिपेयरिंग के हवाले से ये मालूमात मुफीद लगी होंगी और आपको समझ आ चुका होगा। किसी किस्म की दुश्वारी या हेल्प की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
और दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके साथ ही वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। दोबारा किसी वीडियो में ज़रूर इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफिज़।